यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब लोग। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आ चुके हैं भाई डार्क राइडर 2 के साथ, और ये वाला घर देख सकते हो भाई। इस घर के अंदर रहता है ये खतरनाक अंकल जो लोगों को परेशान करता है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ये इतनी बड़ी सिटी है बट ये अंकल ने भाई सारे लोगों को परेशान करके रखा है। तो गाइज इस घर में हमने एंट्री लिए, ये हमने घर लिया है रेंट पे, और हमारा कैरेक्टर है एक छोटा सा बच्चा भाई। तो छोटा बच्चा भाई कितना शरारती होता है वो सब आपको पता ही होगा। तो अब भी भाई हम इस बंदे के साथ जो करने वाले ना वो आपको मजा आने वाला है। तो इसके बहुत सारे एपिसोड बनेंगे, तो इस वाले एपिसोड में कुछ अलग ही करने वाले हैं। और राइट गाइस, जैसा कि ये वाला घर देख सकते हो भाई, अंकल अभी यहाँ पे कहाँ पे घूम रहे होंगे। तो हमें क्या करना है भाई, उसको सबसे पहले ढूंढना है कहाँ पे, तभी हम इसके घर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ ना, आप देखते रह जाओगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अंकल क्या कर रहे हैं, भैंस की डांग, कितना खतरनाक सा लग रहा है, बट उससे डरना नहीं है। लेकिन जब भी ये हमें देखता है ना भाई, हमारे पीछे दौड़ के चला आता है। तो इससे चुप चुप के करना पड़ेगा सब कुछ। ओके, तो इसके घर के अंदर मैं एंट्री कैसे लू, डायरेक्ट चले जाओ क्या? ओ ये हमारे सामने आ चुका है। ओके, तो इसको आगे जाने देते, शायद घर में मत जाना भाई, हमें घर में जाना है, क्योंकि तेरे घर में हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे भाई तू परेशान होके इस घर को छोड़ जाएगा और ये घर हमें मिलेगा। ओके गाइस, ये आगे की तरफ चला गया और इसका मैंने गेट खोला है। ये क्या है, एप्पल भाई, ये सिटी में एप्पल, इसको मारूंगा मैं अभी। देखो ये ले भैंस की टांग, 5 सेकंड के लिए भाई ये स्टॉप हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। ओके, तो अंदर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे भाई हमें ढूंढने को बोल रहा है कि एक मतलब जो तार कट करने वाली जो होते हैं ना चीज, उसको क्या बोलते हैं यार, वो हमें ढूंढना, हाँ निप्पर, निप्पर शायद से वो हमें ढूंढना है। तो इस फ्रिज को हमें चालू करना पड़ेगा, फिलहाल यहाँ पे बिजली नहीं आ रही। ओके, तो अभी मुझे ये ड्रॉअर खोल के नहीं देख सकता भाई, सारे के सारे इसने लॉक कर दिए। अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर की साइड चलता हूँ और जो हमें चाहिए वो मैं ढूंढता हूँ, निक्कर मतलब वायर कट करने वाला, तो वो शायद से ऊपर ही मिलेगा। सारे रूम देखूंगा भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे होगा, ओ ये भैंस के टांग, ये पीछे की साइड क्या है, टावर सा, टावर हाउस है। ओके समझ गया। फिलहाल तो इस घर में एक कैट है भाई, ये इसका रूम है। ओके, थोड़ी सी सेंसिटिविटी हाई कर देता हूँ भाई मैं। ओ ज़्यादा हो गई क्या भाई, थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है। ओके, इतनी बस है बस, और राइट गाइस शायद से इतनी बस है। तो इस कैट को मैं उठा सकता हूँ क्या? ओ ओ ओ, अरे भाई कैट कितनी प्यारी है, आजा आजा चल मेरे साथ चल, हटे जा भैंस की टांग, इसको छोड़ो भाई, ये आवाज़ ना करे, इसलिए मैंने इसके पीठ पे एक हाथ ऐसा सहलाया। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर होगा शायद, जो चीज़ हमें चाहिए वो इसी के अंदर है। ओ ये इसका लाइब्रेरी रूम है शायद से, और ये कौन सा रूम है, इसका कंप्यूटर नहीं है भाई, लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे वो स्टडी वडी करता है भाई। ये कुछ अलग सा बना रहा है, मतलब केमिकल वेमिकल, जिससे इसके पास बहुत सारी जादू आ जाए, वही हमें ढूंढना है, बट उसको परेशान करके ढूंढना है। तो ये भाई बहुत बड़ा सीरीज होने वाले है इस गेम की। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, और ये भाई इसको ढूंढा सारी जगह पे और ये पड़ा यहाँ पे। वैसे तो मैं बड़ा ही नेक्स्ट लेवल पीरो बंदा हूँ, लेकिन भाई उतना भी नहीं। ओ भैंस की, ये क्या हुआ भाई, अभी क्या हुआ ना गाइज, उसने मुझे पकड़ लिया था, ना जाने कैसे पीछे आया था, तो मैं दोबारा से वही से आ चुका हूँ वही करके। तो यहाँ पे फिर से आ चुका हूँ, और ये मैंने निप्पर पे हाथ में ले लिए, और ये शॉर्टकट है क्या भाई, इसकी चिमनी है बट भाई ये हमारा शॉर्टकट बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा जाल बिछाना है, जाल, हाँ जाल नहीं यार, जाल बिछाना है। तो वो करने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक रूम ढूंढना पड़ेगा, और वो शायद से इसी तरफ है, क्योंकि मैंने तो सारे चेक कर लेते भाई, वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरा है ना भाई, वो यही है शायद से, और यही हमें चाहिए था, ये वाला रूम भाई। खोलो इसको, खुल जा सिम सिम। ओके, ये वाला भाई, यही तो रूम है। ओके, तो अभी ओ कहाँ पे यार, ओ भैंस, ये रहा भाई, बट ये क्या है भाई, कैमरा लगे, हाँ तो ये रहा भाई वो, और इसी को हमें कट करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर देता हूँ और बिजली आगे भेज देता हूँ। कट करना है या कुछ करना है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बिजली यहाँ से आगे भेजने मतलब इसको ओपन करके चालू करना था, वही हमने कर दिया है, कट नहीं करना था शायद से। ओके, तो यहाँ पे बिजली जा चुके, शायद से फ्रीजर भी अभी चालू हो चुका होगा, और वहाँ पे हम बनाने वाले एक बर्फ, और उस अंकल को फ्रिज के अंदर हम धकेलने वाले हैं। तो यहाँ पे बारिश भी आ चुकी है, ये देखो भाई पूरा घर इसका लीकेज हो चुका है, और अभी मैं फ्रिज खोलूँगा तो यहाँ पे सारा का सारा बर्फ बन जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो,
इसको मैं खोल रहा हूँ और ये देखो भाई बर्फ बन चुका है। तो अभी हमें घर पे भाग के जाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फेंकना पड़ेगा। और अभी मैं ऊपर से जाने वाला हूँ क्योंकि सामने वो शायद हो सकता है, तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। वैसे तो मैं भाई बहुत पी रहा हूँ, लेकिन अभी मैं नूबड़ा बन चुका हूँ। कोई बात नहीं भाई, इस अंकल को तो परेशान करूँगा। तो यहाँ से भाई 1 2 3 करेंगे और जंप मारेंगे सीधा रोड पे। 1 2 3 लेस, नहीं नहीं भाई डर लग रहा है। 1 2 3 लेस गो। भाई साहब मजा आ गया, सीधे भाई छत से रोड पे आ चुके हैं। ओके गाइस, तो ये बंदा आ चुका है वहां पे और इसने देख लिया कि यहाँ पे फ्रिज से भाई बर्फ बन रहा है। ओके, ये स्लीप हुआ और इसके अंदर चला गया और इसका भी बर्फ हुआ और हमें आया बहुत मजा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बहुत ही मजेदार होने वाला है। और लास्ट में भाई इसका जादू टोने वाला जो केमिकल है वो हम पीने वाले हैं और हम जादू सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो मजा आया होगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आया होगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।